वेलकम टू किरण्स लर्नर एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे सिंबल्स एंड नोटेशन का टॉपिक, जिसे संकेत एवं चिन्ह कहा जाता है। इसमें क्या रहेगा, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है। एक मैथमेटिकल इक्वेशंस दी होंगी, नॉर्मल कोई भी सिंबल्स लगे होंगे, लेकिन उनका मतलब कुछ और होगा। यानी वो कहेगा कि भाग का साइन लगाया है तो उसे गुना से रिप्लेस कर दीजिए, योग का साइन लगाया है तो उसे घटाने से रिप्लेस कर दीजिए। ऐसे कुछ चीजें हमें दी गई होंगी क्वेश्चन, फिर उसको हम रिप्लेस करके उस इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपने बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग। जिसके अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, और फिर भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, और फिर घटाते हैं। तो इस चीज को करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में प्लस से गुणा हो, मतलब अगर प्लस है तो उसको बनाना है गुना। गुना का अर्थ क्या है, घटाना। भाग का अर्थ है जोड़, और घटाने का अर्थ है भाग करना। तो इसमें अगर मैं रिप्लेस करूं तो इक्वेशन जो है वो हमारी कुछ इस तरह की बन जाएगी, 175 डिवाइड बाय 25 प्लस 5 टू 20 माइनस 3 टू 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 प्लस 100 माइनस 30, तो आएगा आपके पास 77। तो ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित की एक काल्पनिक, देखिए इसमें क्या बोला गया है, माइनस जो है वो भाग के बराबर है, प्लस जो है वो गुणा के लिए है, डिवाइड जो है माइनस के लिए है, और गुणा जो है वो जोड़ने के लिए है। तो अब इनमें से बताना है कि हमें चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो देखिए अगर मैं चारों सॉल्व करूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमें इस चीज में थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से रखना है कि हमें हर जगह पूरी पूरी संख्या लानी है, यानी डेसिमल में कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम भाग की चीज देखेंगे, इस साइन को भाग से रिप्लेस किया जा रहा है, और फिर चेक करेंगे कि वो डिवाइड पूरा भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो माइनस की जगह से डिवाइड को डालना है। देखिए अगर मैं माइनस की जगह यहाँ डिवाइड को दूं तो 7 जो है 1 से भाग प्रॉपरली हो जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस जगह अगर हम लगाएं कि हम माइनस की जगह भाग का साइन, यानी 20 जो है वो 12 से प्रॉपरली भाग नहीं होगा, तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा और हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए, तो इस चीज को मैं सॉल्व नहीं करूंगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, माइनस को अगर डिवाइड से करूं रिप्लेस तो 6 डिवाइड बाय 20 वो भी पूरा भाग नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको भी नहीं चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो भाग पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रॉपरली भाग हो जाएगा, तो इसे मैं सेकंड प्रेफरेंस पे रखूंगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है मेरी, मैं इसको चेक करते हैं। देखिए 6 माइनस 20 प्लस 12 क्रॉस 7 डिवाइड बाय 1, तो ये आएगा आपके पास माइनस 18 प्लस 84, तो ये आपके पास आ जाएगा 70। देखिए फर्स्ट से ही हमारा आंसर आ गया है, तो ऑप्शन इसलिए हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन साइन को डालना है और चेक करना है कि आंसर 36 आ जाए। देखिए अगर 65 माइनस 40 प्लस 11 किया जाए तो इट विल गिव यू 5 प्लस 11, तो आंसर आ जाता है 36, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिर से देखना है कि किस साइन को हम भाग से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम प्लस के साइन को भाग से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर भाग से रिप्लेस करती हूँ तो देखिए एक होल नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं इसमें करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आई कैन चेक दिस। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ बात करें तो यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, तो 3 इंटू 7 माइनस 3 21 माइनस 3
आ गया 18, तो उत्तर क्या हो गया? सेकंड। तो इस तरीके से हमें देखना है कि पहला ऑप्शन हम कौन सा चेक करेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है, प्लस का अर्थ तो हो गया घटाना, घटाने का हो गया है गुणा, डिवाइड का हो गया है योग, क्रॉस का मतलब हो गया भाग। तो देखिए, डिवाइड बाय 5, डिवाइड का मतलब है प्लस, क्रॉस माइनस 3, 2 प्लस 6 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि प्रदत्त अनुत्तर तक पहुंचना है तो समीकरण के चिन्ह, उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें। देखना है कि हमें साइन को किस तरीके से रिप्लेस करना है, तो हम पहले इज इक्वल्स टू वाले चेक कर लेते हैं जिसमें लास्ट में इक्वल्स टू आ रहा है। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 17 में से 18 तो नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक करें। तो 17 क्रॉस 3 माइनस 6, 51 में से 6 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा, तो उत्तर हो गया 4th। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये वाला ऑप्शन चेक करें तो ये नहीं सॉल्व होएगा, पहले ये वाला चेक करते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 आ गया 7 के बराबर, तो ऑप्शन हो गया 1st। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही चीज आ जाती है कि हमारे को किस किस को रिप्लेस करना है। प्लस को गुणा से रिप्लेस करना है, डिवाइड को घटाने से, माइनस को जोड़ने से, और मल्टीप्लाई का मतलब है बड़े के लिए। तो अब इसको डालते हैं, चेक करेंगे। 20 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन 26 बड़े के लिए। तो इसको सॉल्व किया जाए तो आएगा माइनस 16। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगी, क्या वो बड़ा होगा 26 से? नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करें, 20 क्रॉस यानी बड़ा, 8 प्लस मतलब गुणा, डिवाइड 5, डिवाइड की जगह आपको लिखना है घटाने का साइन, और घटाने की जगह लिखना है जोड़ने का साइन। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 इंटू 3 माइनस 9 प्लस 8 24 माइनस 1 23, 20 से ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, 20 डिवाइड बाय 2 गुना 10 माइनस 4 प्लस 6 क्रॉस बड़ा है 100 से, तो ये आ गया 10 100, 100 में से 100 में 2 जोड़े तो आ जाएगा 102, तो ये बड़ा हो गया, तो उत्तर हो गया 3rd। नेक्स्ट, हमारे को दिया हुआ है कि इज इक्वल्स टू की जगह डिवाइड यूज करना है, प्लस की जगह माइनस यूज करना है, गुणा के लिए इक्वल्स टू यूज करना है, माइनस के लिए बड़ा साइन यूज करना है, बड़े के लिए प्लस, कम छोटे के लिए गुणा, और डिवाइड के लिए छोटा। तो इसके लिए हमारे को ये देखना है कौन सा गलत होगा। केवल एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो देखिए, कम का साइन हमारे लिए यूज हो रहा है मल्टीप्लाई 2, प्लस के लिए हमें यूज हो रहा है माइनस, माइनस 8 क्रॉस के लिए हमारा यूज हो रहा है इक्वल्स टू 5। तो 8 यहां आएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 5, ये गलत हो गया, तो उत्तर हो गया 1st। नेक्स्ट, यदि स्टार का प्रतीक जोड़ना, हैश का प्रतीक घटाना, एट द रेट का प्रतीक गुना करना, परसेंट का प्रतीक भाग करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो देखिए, हम डिवाइड किसका साइन बना रहे हैं? परसेंटेज का। अब परसेंटेज की जगह का मैं यहाँ डिवाइड लगा दूंगी तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ डिवाइड लगाऊंगी तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, यहाँ लगाया तो भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, और अगर मैंने यहाँ लगाया तो भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, 256 डिवाइड बाय 16 एट द रेट 5 माइनस 28, 16 इंटू 5 माइनस 28,
16 इंटू 5 होगा आपका 80, 80 में से 28 गए तो 52, तो इसलिए फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यदि P का सूचक ये है, यानी 16 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 माइनस 4, तो आएगा 16 इंटू 2 प्लस 1, 32 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका 33। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित निश्चित पद्धति के अनुसार 1 से 9 को हमने एबीसीडी से जे तक लिखा है, तो बी ए एफ डिवाइड बाई बी एफ इंटू डी का मान क्या होगा? बी ए एफ बी 1, ए यानी 0, एफ का मतलब हो जाएगा 5, डिवाइड बाई बी का मतलब है 1, एफ का मतलब 5, इंटू डी, डी का मतलब 3। अगर इसको हम डिवाइड करें ऐसे 15 इंटू 3, आंसर होगा 21। 2 किसके लिए है हमारे पास? सी के लिए, और 1 है बी के लिए, तो उत्तर हो जाएगा सी बी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, 0, 1, 2, 3 को फिर से हमने एबीसीडी जे तक लिखा है, तो इसका आपको नंबर बताना है। डी विल बी 3, 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 इंटू डी, डी हो गया 3, ये आपके पास आएगा 160 माइनस 12 इंटू 3, 160 माइनस 36 आपके पास आएगा 124, 1 आएगा बी के लिए सी, और इसके लिए आपके पास आएगा ई, तो उत्तर हो जाएगा बी सी ई। नेक्स्ट देखते हैं, यदि माइनस का मतलब भाग है, तो इसमें भी वही चीज देखेंगे कि हम पहले भाग को देखेंगे, तो किसका मतलब भाग आ रहा है? माइनस का, तो अगर मैंने यहां लगाया माइनस तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहां लगाया तो सॉल्व हो जाएगा, यहां भी सॉल्व हो जाएगा, और पर यहां नहीं होगा, तो पहले मैं इसको चेक करती हूँ फिर इसको चेक करते हैं। तो 18 डिवाइड बाय 3, प्लस का मतलब हो गया गुणा, गुणा का मतलब है जोड़ना, डिवाइड का मतलब है घटाना, तो 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 14 आ गया आंसर, तो सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सही है, हमें थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यदि प्लस भाग को दर्शाए माइनस बराबरी को दर्शाए, इज इक्वल्स टू जोड़ का डिवाइड बड़े का, इक्वल्स टू छोटे का बड़ा गुणा को, तथा छोटा घटाने को, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो हम इसको पहले को सॉल्व करते हैं, तो आपका प्लस जो है वो भाग को दर्शा रहा है, और गुणा जो है आपका जोड़ को है, इज इक्वल्स टू आपका छोटे प्लस आपका भाग, और बड़ा साइन आपका गुणा का दर्शा रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरे पास? 3.5 इधर, और इधर सॉल्व करेंगे तो 0.75, ये तो गलत हो गया, तो हमें फर्स्ट को चेक नहीं, मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम अपना, 5 गुणा 2 गुणा प्लस 1 माइनस बराबरी को दिखा रहा है, गुणा 4 और घटाने का साइन माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 1, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ग्रेटर देन का साइन प्लस दर्शाता है, लेस देन का साइन माइनस दिखाता है, प्लस डिवाइड को दर्शाता है, मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स टू को दर्शाता है, ये सब सिंबल्स दिए हुए हैं, तो हम एक एक इक्वेशन को चेक करेंगे। तो आपका पहला इक्वेशन चेक करते हैं, 13 प्लस 7 लेस देन जो है वो माइनस है, 6 प्लस का मतलब डिवाइड, इक्वल्स टू का मतलब लेस देन, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 13, 20, 20 माइनस 3 12, 17 जो है वो छोटा है 12 से, नहीं, तो इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन चेक करेंगे अपनी, फर्स्ट इक्वेशन से आंसर नहीं आया है।
नेक्स्ट चेक करते हैं, 9 + 5 + 4 = 18 / 9 ग्रेटर देन के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, हमारा प्लस का 16, तो 9 + 5 आएगा आपका 14, 18 तो इज इक्वल्स टू 2 + 6, 18 तो ये चीज हमारी सही आ गई, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए के लिए ये बोला है उसने और बी के लिए बात करी है, सी डी ई एंड एफ के लिए बात करी है, तो 4y, एफ का मतलब है बराबर 3x, नेक्स्ट इक्वेशन में दिया है 3x एफ 6z, तो 4y जो है इज इक्वल्स टू 6z हो गया, यानी ये कह सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू 3z और इक्वल्स टू का मतलब है f, यानी 2y f ऑफ 3z, तो उत्तर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट देखते हैं, यदि p प्लस को व्यक्त, तो सॉल्व करते हैं, 18 / 36, r का मतलब क्या है, s का मतलब है मल्टीप्लाई, r का मतलब है डिवाइड, q - 6 + 7, तो 18 × 3 माइनस यानी प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा 55, तो आंसर हो गया आपका 3rd। यदि a का अर्थ ये है, d का अभिप्राय प्लस है और g का घोतक है, तो इसका आपको अर्थ बताना है, 7 × 4 + 4 × 3 - 2, 28 + 12 - 2 आपके पास आ जाएगा 38। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उत्तर को पहचानिए जो दिए गए आधार वाक्यों को निम्नलिखित संकेतों के अनुसार सही निष्कर्ष होगा, तो अब देखिए 2mbn, m का मतलब है बराबर, तो 2m जो है वो बराबर है n के, इसका मतलब क्या हुआ, 4m बराबर है 2n के, और 2n जो है बड़ा नहीं है 3k से, यानी छोटा है, तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि 4m आपका जो है वो छोटा है 3k से, छोटा है इसका मतलब हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब है 4m छोटा है 3k से, तो 2m भी छोटा होगा 3k से, तो इसका मतलब हो गया 2m जो है छोटे के लिए हम वर्ड करेंगे c 3k, तो उत्तर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, यदि फिगर्स का नंबर दिए गए हैं, त्रिभुज का 3 है, पेंटागन का 5 है, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सिंबल है 8, ट्रायंगल का है 3/4, यानी 24/4 ये आया 6 का मतलब हो गया हेक्सागन, तो उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, इसका मतलब है 12/4 यानी 3 किसके लिए है, व्रत के लिए, तो उत्तर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट, यदि आयत 12 है, त्रिभुज 15 है, वर्ग 6 है, समांतर चतुर्भुज 4 और वृत्त 3 है, तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण निकालिए, 12 + 6/15 सॉल्व करेंगे, 18/15 यानी 6/5। नेक्स्ट देखते हैं, 24 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 5 ट्राइंगल 4, तो हमें क्या करना है, इन सिंबल्स को डालना है, तो हम सबसे पहले ही जो इधर वाला नंबर बड़ा है इसके लिए इक्वल्स टू लेके चलेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 × 5 + 4, तो देखिए 20 + 4, तो उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 1 + 4 9 है, 2 + 8 18 है, 3 + 6 15 है, तो देखिए 9 का मतलब क्या होगा, 1 + 4 + 4 तब 9 आएगा, ऐसी अगर मैं 18 को करूं तो 2 + 8 10 हो गया, लेकिन 8 और चाहिए। 15 की बात करें तो 3 + 6 तो है ही, प्लस 6 और चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 7 + 8, तो 7 + 8 15 + 8, तो आंसर आएगा 23।
नेक्स्ट देखते हैं, 58 इंटू 12 इज इक्वल टू 4, तो इसको ऐसे देख सकते हैं 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो गया ये 13, 14, 15, 16. 16 का अगर मैं वर्गमूल करूं तो 4 आ जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं करूं 3 प्लस 7, 10, 19, 19, 25, 25 का अगर वर्गमूल करें तो 5 आ जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 9 आ गया. 9 का वर्गमूल करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 4. तो अब मुझे इस इक्वेशन से सॉल्व करके 4 लाना है, तो देखिए कैसे करा जाए. माइनस 4 प्लस 6, यानी पहले वाले इज इक्वल टू को माइनस से रिप्लेस कर देते हैं दूसरे को प्लस से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4. ऐसे ही 9 माइनस 3 प्लस 7 13 के बराबर होगा. इसी तरीके से 9 माइनस 7 प्लस 8 किसके बराबर होगा 10, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. नेक्स्ट देखें 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 432, यानी 432765 सिर्फ अरेंजमेंट किया गया है 987, तो आंसर होगा 752.